काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर कयक न्यूज चैनल और एजेंसी के द्वारा एग्जिट पोल जारी करे के बाद अब कांग्रेस की मुश्किल बढ़त नजर आवला ही। आखिरी फेज के मतदान पूरा होए के बाद अब इंडिया गठबंधन के द्वारा मध्य प्रदेश में 7 सीट जीते के दावा की इनका हबे। लेकिन एग्जिट पोल कुछ और बयां कह रही है। अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। तो अपनों को बताई थे कि आखिरकार प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का कितनी सीट मिले के अनुमान है। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे से भजन इनका प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में बीजेपी का 28 जबकि कांग्रेस के खाता में 1 सीट आवे की उम्मीद जताई गई है। बात की जाकर इंडिया टीवी सीएन के आंकड़ा के तो यहाँ आंकड़ा के मुताबिक बीजेपी का 28 से 29 सीट मिली है जबकि कांग्रेस के 1 सीट आवे की उम्मीद जताई गई है। TV9 के पोल स्ट्रेट के द्वारा बीजेपी का क्लीन स्वीप तीन का है, यानी कि कांग्रेस का खाता जो है शून्य है। कांग्रेस के खाता में एक और सीट नहीं आवे की संभावना जताई गई है। एक ही अलावा अगर टाइम्स नाउ ETZ के द्वारा सर्वे के बाद की जाए तो बीजेपी का 28 से 29 जबकि कांग्रेस के खाता में 1 सीट आवे की संभावना जताई गई है। यानी कि 4 न्यूज चैनल के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के खाता में 29 में कोनो एक ही सीट आ सकती है। अगर प्रदेश में कांग्रेस के 29 में से 28 सीट होती हैं तो इसने में कई एक दिग्गज नेता की मेहनत पर पानी फिर सकत है। दरअसल कांग्रेस के चुनाव में दिग्विजय सिंह कांतिलाल भूरिया जैसा दिग्गज नेता का टिकट तीन का है जबकि नकुलनाथ के मैदान में होए से कमलनाथ के शाखों दांव पर लगी है। कई एक मौजूदा विधायक का मैदान में उतारा गया है और अगर बीजेपी 28-29 सीट जीता थी तो इसरे में कांग्रेस के खाता में महज 1 सीट रह गई। अब ये सीट कौन हुई ये 4 जून एक साफ हुई। बता दें कि 18वीं लोकसभा के खातिर देश के 543 सीट पर 7 चरण में वोटिंग में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 जून का लोकसभा चुनाव के नतीजा घोषित किए जाएंगे। इससे पहले 1 जून का अंतिम दौर के मतदान पूरा होते एग्जिट पोल के नतीजा सामने आए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट पर 4 चरण में चुनाव भी रहे और बीजेपी के द्वारा मिशन 29 के लक्ष्य रखा गया है। यानी कि प्रदेश के तमाम सीट पर जीते की तैयारी बीजेपी के द्वारा की गई रही। लेकिन अगर यह एग्जिट पोल सटीक साबित होता तो बीजेपी के मिशन 29 का बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा कहीं इंडिया अलायंस का दावा साफ तौर पर फेल हो नजर आ रहा है। सजग रही सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दें। इजाजत।